हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीटरूट या चुकंदर के हेल्दी और डिलीशियस हलवे की रेसिपी। आपने गाजर, लौकी, सूजी, मूंग दाल या और भी कई तरह के हलवे बनाए होंगे और खाए होंगे, पर शायद ही आपने बीटरूट का हलवा बनाया होगा। बीटरूट में कई विटामिन, आयरन और भी कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर स्वाद में कसैला होने के कारण हम में से मोस्टली लोग इसे रॉ फॉर्म में नहीं खा पाते। लेकिन एक बार इस तरीके से आप इस बीटरूट या चुकंदर के हलवे को बनाओगे तो ये हलवा आपका फेवरेट हो जाएगा। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये 4 मीडियम साइज के बीटरूट या चुकंदर, 250 ग्राम मावा या खोया, 250 ml दूध, 100 ग्राम चीनी, 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, ये यहाँ पर ऑप्शनल है, और 2 बड़े चम्मच घी। चारों बीटरूट को मैंने यहाँ पर छील लिया है और एक बार साफ पानी से वॉश भी कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरीके का ग्रेटर लिया है, तो अब मैं यहाँ पर सभी बीटरूट को ग्रेट कर लूँगी। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप इसे उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बीटरूट की ये क्वांटिटी 3 से 4 लोगों के लिए सफिशियंट रहेगी। तो चारों बीटरूट को मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। गैस पर मैंने एक पैन रखा है, इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 बड़े चम्मच घी। आप चाहो तो यहाँ पर घी की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हो। घी गर्म हो चुका है, इसमें मैं ग्रेटेड बीटरूट डाल दूंगी और एक बार अच्छे से मिक्स करके कम से कम 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते हुए इन्हें भून लूंगी। और इस तरीके से भूनने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस हलवे में। बीटरूट को भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। तो यहाँ पर मैंने दूध की क्वांटिटी कम रखी है क्योंकि इस हलवे को बनाने के लिए मैं मावे का यूज़ कर रही हूँ। तो दूध को अच्छे से बीटरूट में मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर बीटरूट को कुक करना है, तो इसे कुक करने के लिए अब मैं यहाँ पर ढक्कन लगा लूँगी और ढक्कन लगाकर इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक कुक करूँगी। यहाँ पर मैंने ढक्कन खोल लिया है, तो यहाँ पर बीटरूट को चेक कर लेंगे। तो बीटरूट बहुत अच्छे से यहाँ पर कुक हो चुका है और दूध की क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखें। मुझे मीठा कम पसंद है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर चीनी का यूज़ कर रही हूँ। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ये मिक्सचर इस तरीके से लूज़ भी हो चुका है। तो गैस का फ्लेम मैं यहाँ पर हाई रखूँगी और इसे 2 मिनट तक और कुक कर लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मावा। तो मावे को मैं यहाँ पर हाथ से क्रम्बल करते हुए डाल रही हूँ क्योंकि इसे मैंने घर पे ही बनाकर तैयार किया है और ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो अगर आप बाजार का मावा ले रहे हो तो उसे पहले ग्रेटर से ग्रेट कर लें और फिर डालें क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है। तो मावे को भी 2 मिनट तक मैंने यहाँ पर पका लिया है। इसमें डाला है लास्ट में फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर और नारियल का बुरादा। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो लास्ट में मैं इसमें बारीक कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता डाल रही हूँ। तो आप अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो। तो गैस का फ्लेम मैं अब यहाँ पर बंद कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा ये बीटरूट या चुकंदर का हलवा सर्व करने के लिए तैयार है और इसे मैं सर्व कर रही हूँ एक सर्विंग बोल में। हमारा ये बीटरूट हलवा देखने में जितना यम्मी लग रहा है, यकीन मानिए खाने में ये उतना ही टेस्टी है। तो तैयार है गर्मा गर्म चुकंदर या बीटरूट का हलवा। तो फ्रेंड्स, आप भी इस बीटरूट के इस हेल्दी और डिलीशियस हलवे की इस रेसिपी को अपनी फैमिली के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।